भाई आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर 11th क्लास का काइनेमेटिक्स। इसके अंदर हम मोशन इन अ वन डायमेंशन पढ़ चुके हैं, मोशन इन अ टू डायमेंशन हमको पढ़ना है या मोशन इन अ प्ले। तो देखिए काइनेमेटिक्स दो होती है, दो तरीके से पढ़ना था हमको। क्या एक हमको अब पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो देखिए मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करने से पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं प्लेन क्या होता है। देखिए प्लेन उस चीज़ को बोलते हैं। अब मोशन टू डायमेंशन के अंदर होगा, या तो टू डायमेंशन के अंदर हो या फिर थ्री डायमेंशन के अंदर। तो इस टाइप्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। दो एक्सिस या तीन एक्सिस पर हम इसको देखेंगे। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर टॉपिक आएगा हमारा वैक्टर। स्टार्ट करेंगे क्या स्टार्ट करेंगे हम, वैक्टर, ठीक है। वेक्टर क्या चीज़ है पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, नोटेशन क्या होता है इसका, वो सब हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए वेक्टर क्या होता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, दो चीज़ें हो, उसका एक मैग्नीट्यूड हो खुद का और उसकी डायरेक्शन हो। तो इस टाइप्स के वेक्टर को क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका नोटेशन क्या होता है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी चीज़ के ऊपर वेक्टर लगा के, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि ये कोई क्वांटिटी है, लेट क्वांटिटी इज़ ए, हम कोई भी मान लेते हैं कोई भी क्वांटिटी है ए, तो इसके ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं वेक्टर्स लगा के, ठीक है। तो इसका ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखिए तो वेक्टर हो गया। अब दूसरी चीज़, ये वेक्टर का होता क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं, एक टेल होता है, इसके अंदर एक हेड होता है, ठीक है। इस टाइप्स की यूनिट को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर, एग्जांपल क्या चीज़ है, ये तो हमने कोई भी क्वांटिटी कंसीडर कर ली। तो वेक्टर होता क्या है, वेक्टर के एग्जांपल क्या हैं, तो देखिए सबसे पहले हम वेक्टर के एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या चीज़ है इसका, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड आता है इसकी वेलोसिटी, क्या आती है, वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी चीज़ हम लेते हैं, इसके बाद आता है हमारा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर देते हैं, और इसका एक्सेलरेशन भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। दूसरा इसका चौथा एग्जाम्पल होता है फोर्स, क्या होता है, फोर्स, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर अगली आती है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इन सबको काय से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके ऊपर वेक्टर लगा के, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले सिर्फ इसकी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी हमने पता कर ली कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी तो ये हो गई, इसके एग्जांपल हो गए, ठीक। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या चीज़ हैं, कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं हम क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या समझते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक। नहीं, टाइप्स ऑफ वेक्टर समझने से पहले हम समझते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। किसी वेक्टर की पोजीशन क्या होगी, देखिए पोजीशन वेक्टर समझने के लिए हमको एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन को समझना है, ठीक है। सपोज़ कीजिए ये कोई एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और सपोज़ कर लेते हैं, ये कौन सा है, एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हम इसको कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और क्वांटिटी होती है वाई जेड प्लेन, क्या होती है, वाई जेड प्लेन। तो देखिए अगर मोशन इसमें करेगा, इस टाइप्स के प्लेन में मोशन करेगा, तो ये भी 2D मोशन है और ये भी 2D मोशन है और ये भी 2D मोशन है, क्लियर हुआ है ना, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि ये इसका ओरिजिन O था, यहाँ से ये इतना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, ये कोई P पॉइंट पर डिस्प्लेस हुआ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि हमें कौन से प्लेन के अंदर इसकी वेक्टर क्वांटिटी या इसके किसके अंदर इसका पोजीशन या पोजीशन वेक्टर इसके अंदर कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज कीजिए ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पर पॉइंट की पोजीशन कितनी है, यहाँ पर है। तो हमने सपोज कर लिया ये इसका x पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ से ये कितने दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर है, ये इधर से y डिस्टेंस पर है। तो ये वाला कौन सा प्लेन कहलाएगा, इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे,
पी यानी कि पी एक्स कॉमा वाई, यानी कि अभी मोशन किसके किस प्लेन के अंदर हो रहा है, एक्स और वाई प्लेन के अंदर हो रहा है। सिमिलरली इस तरह से होगा तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा इसका, हमने ये वेक्टर लिया, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से वाई डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से ये कितना है जेड डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पर, या सपोज के लिए ये पोजीशन वेक्टर है और यहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ से हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट जेड एक्सिस थी तो जेड ले लिया, और यहाँ से इसकी ये एक्स एक्सिस थी तो एक्स ले लिया। यानी कि ये मोशन 2D मोशन है, ये भी मोशन 2D है, ये भी मोशन 3D है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से सपोज कर लीजिए यहाँ पर है, ठीक, तो यानी कि दो एक्सिस पर जब हम इसकी पोजीशन देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, 2x प्लेन है। यानी कि कौन सा मोशन होगा इसके अंदर, 2D मोशन होगा, इन सब के अंदर 2D मोशन होना है, ठीक है। अच्छा, इसकी पोजीशन वेक्टर सपोज करा, इसका पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है, तो अब ये r से कितने डिस्टेंस पर है, वेक्टर r इज इक्वल टू कितना हो गया इसका, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप या वाई जे कैप ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इसकी पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन हो गई। सिमिलरली जब इसके अंदर हमको निकालना होगा तीसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन के अंदर, तो हमने ले लिया एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि पोजीशन वेक्टर किस कंडीशन पर है, यानी कि ये तो एक्स वाई प्लेन पर है और ये तुम्हारा एक्स जेड प्लेन पर है। अब इसी तरीके से अगर हमको निकाल लो वाई और जेड प्लेन पर, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, आर वाई जे कैप होता है और प्लस जेड के कैप होता है, ठीक है। अभी देखिए आई कैप और जे कैप आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, ये आता है यूनिट वेक्टर होता है, जब हम इसको टाइप्स ऑफ वेक्टर समझेंगे तब इसको बता देंगे, ठीक है। अब ये तो कंडीशन हो गई एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स प्लेन के अंदर। अब हम समझते हैं मोशन इन 3D क्या है और उसके अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो सपोज कर लिया हमने ये कोई एक्स वाई और जेड प्लेन बनाया, ठीक, तो पहली चीज़ एक तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, यानी कि ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ से भी ये 90 डिग्री का और ये यहाँ से भी 90 डिग्री एंगल का, एक्स वाई और जेड प्लेन हमने इसका लिया, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि ये पॉइंट की डायरेक्शन कहाँ पर थी, हमें इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ से हमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ले लिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया। अब हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, और फिर हम देखेंगे ये जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, और देखेंगे ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। सपोज़ करा यहाँ पर है, इसकी पोजीशन इधर आ रही है, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, ये वाई एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, जेड हो जाएगी, तो फिर ये वाली कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से हम जब इसको लेंगे तो ये एक्स डिस्टेंस पर है। तो इस टाइप्स का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो कितना होगा, जब हम तीन क्वांटिटी के अंदर ले रहे हैं तो एक्स तो आई कैप के साथ जाता है और वाई जे कैप के साथ प्लस जेड के कैप के साथ हो गया, क्लियर। अब इसकी हमें पोजीशन समझनी थी, तो ये पोजीशन वेक्टर जो हमको दिए हुए होते हैं, सपोज कर लीजिए लेट हमने बात करी, यहाँ पर इसको समझते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर हमें कहीं पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है आर वेक्टर, ठीक है, वेक्टर आर लिखा हुआ है और ये दिया हुआ है हमको 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, यानी कि ऐसे ले लेते हैं दोनों इस तरह से हैं, ठीक है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका कैसे हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिखाएंगे, सपोज कर लिए यहाँ 1 था यहाँ 2 था, और यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर किस कंडीशन पे आ रहा है, देखिए ये 1 था ये 2 था ये 1 था ये 2 था ये 1 और ये 2। अब इसके तीनों कार्टेशियन जो है पॉजिटिव फॉर्म में, मैं भी नेगेटिव फॉर्म की बात नहीं करूँगा, वो इतना हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बिल्डिंग ब्लॉक तो है ही ये वेक्टर में। ये जो है अगर हमने -2 और 3 इसमें लिया तो ये नेगेटिव वेक्टर की तरफ जाता है, ठीक है, वो उसकी बात की बात है समझेंगे। तो देखिए 2 एक्सिस से यानी कि 2 डिस्टेंस पर, और फिर यहाँ से भी हमने 2 लिया ये पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ पर है हमारा, यहाँ है, आर वेक्टर हो गया, और इधर से कितने एक्सिस पर था, यहाँ से हमने इसके वाई एक्सिस के अलोंग लिया, तो इसकी पोजीशन कहाँ आ रही है, यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा P2, 2, 2, यानी कि इसकी पोजीशन इतनी है, ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम इसके बाद में टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या चीज़ है, देखिए अब टॉपिक क्या आता है हमारा, टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने टाइप्स का होता है या इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ, पहला हमारा होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कर लिया हमारा पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक। अगली कंडीशन हमने ली को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, जीरो नल वेक्टर भी होगा, को इनिशियल हो गया,
फिर आता है हमारा कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर, ठीक है। और हो गया नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ठीक। इन कंडीशन पे हम समझते हैं, ये पांच टाइप की कंडीशन है, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, ठीक। अब यूनिट वेक्टर जब हमको समझना है तो फिर वही हम फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, चाहे हम 2D के अंदर चलेंगे अभी, ठीक है। 2D एक्स आई कैप, 3D ही ले लेते हैं, और वाई जे, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब था कि जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, आई कैप, ठीक है। और जब वाई के, मतलब कोई वेक्टर है हमारा वाई एक्सिस के अलोंग जब चलेंगे लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, जे कैप, ठीक है। और जब जेड एक्सिस के अलोंग चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम के कैप, क्लियर। ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। अच्छा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, सपोज कर लिया कि कोई वेक्टर आर है, क्या है, वेक्टर आर। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर जब हम निकालेंगे तो आर यूनिट इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ उसका वेक्टर आर, ठीक है। ये होती है हमारी यूनिट वेक्टर, क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अब देखिए, वेक्टर आर हमको 2D में दिया हुआ है या 3D में दिया हुआ है या 1D में भी दे देता है, ठीक है, उसके साथ आई कैप लगा होगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर हमें लिखना है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप, क्लियर। ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप जाएगा। और इसी तरीके से हम वाई एक्सिस के अलोंग जब लेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग कितना होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर वाई जे कैप, ठीक है। और इसी तरीके से जेड एक्सिस के अलोंग जब लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, जेड एक्सिस वेक्टर आर इज इक्वल टू आर जेड के कैप, क्लियर। तो इस यूनिट वेक्टर को और अच्छी तरीके से जब हम समझते हैं तो कैसे होता है, देखिए, अब ये है इसका वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है हमारा वेक्टर है, वेक्टर, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और दूसरी चीज़ है हमारी आर कैप, तो आर कैप क्या होती है, हमारी यूनिट वेक्टर होती है, क्या होती है, यूनिट वेक्टर। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब ये अगर आर वेक्टर जो है 3D, मतलब 3D में दिया हुआ है, ठीक है, 3D में, ठीक है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो हम कितना लिखेंगे, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ये तो वेक्टर की क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग, तीन एक्सिस हैं इसके अलोंग हो गया। अब जब हम इसका मोड निकालते हैं, वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर आर, तो मोड ऑफ वेक्टर आर जब निकाला जाएगा तो ये हो जाता है आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब इस यूनिट वेक्टर को हमें 3D में लिखना था तो किस तरह से लिखेंगे, यानी कि आर यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप अपॉन मोड ऑफ वेक्टर अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया, क्लियर। अब जब इसको 2D में लिखना हो तो 2D में कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स, ये तो 3D में है, ठीक है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, दो कंडीशन थी, ये हो गया। तो फिर इसका मोड ऑफ वेक्टर कितना हो जाएगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अब ये 2D तो है लेकिन कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक्स वाई प्लेन, क्लियर। इसी तरीके से जब हम वाई जेड लेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर यहाँ देखते हैं, ये यूनिट वेक्टर तो हमारा क्लियर हुआ, ठीक, यानी कि इसका निकालना है हमको आर यूनिट इज इक्वल टू कौन से प्लेन में लेना है, एक्स वाई हो गया, अब हम वाई जेड प्लेन में ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप अपॉन अंडर रूट आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। ये हमारा कौन से वाई जेड प्लेन के अंदर हो गया, यानी कि वाई जेड प्लेन, लेकिन मोशन कैसा है, 2D है, और आर एक्स जेड ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आर एक्स का आर एक्स आई कैप प्लस आर जेड के कैप अपॉन आर अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर।
क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं थोड़ा सा, यूनिट वेक्टर की जब बात करी है तो, यानी कि जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन लिया, ठीक है, एक्स जेड प्लेन लिया। देखिए इसमें तो तीनों पॉइंट दिए हुए होंगे हमको, यानी कि एक्स भी दिए हुए होगा, वाई भी और जेड भी, ये 3D के अंदर है। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट दिए होंगे, आर एक्स वाई प्लेन है तो एक्स कॉमा वाई दे रखा होगा, ठीक है, और दूसरा एक्स वाई दिए हुआ है तो जेड इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, जीरो, ठीक है, यानी कि जेड की पोजिशन कितनी है, जीरो है। इसी तरीके से हम आर वाई जेड लेंगे तो एक्स की पोजिशन कितनी होगी यहाँ पर, जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस के अलावा उसकी पोजिशन जीरो डिग्री उस पर है, जीरो पर, ओरिजिन पे है। और यहाँ पर कितना लेंगे तो ये लेंगे हमारा एक्स जेड है तो वाई इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अगर इनकी पोजिशन हमें 3D पूछ लेके 3D में रिप्रेजेंट करो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे जब एक्स वाई प्लेन के अंदर लेंगे तो यहाँ पर एक एस को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि आर वेक्टर एक्स वाई प्लेन अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, कौन सी यूनिट, जीरो है, ठीक है, ये जीरो वेक्टर के अंदर समझ में आएगा, तो यानी कि आर एक्स आई कैफ प्लस आर वाई जे कैफ प्लस आर जेड जो है हमारा ये हो जाएगा जीरो, यानी कि यहाँ पर इसको लिखेंगे हम आर जेड इजकल टू जीरो, तो जीरो के कैफ अंडर रूट, तो इसको चाहे हम जीरो लिखें या ना लिखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया, जीरो का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम वाई जेड में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर वाई जेड में लिखना है तो आर एक्स यानी कि एक्स यूनिट कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है, और जेड एक्स में लिखेंगे तो फिर वाई जीरो है, क्लियर। ये तीन चीज़ें समझ में आ गई हमारे यूनिट वेक्टर, ठीक। अब बात आती है इसका न्यूमेरिकल कैसे करें, इसका न्यूमेरिकल कैसे होता है कि हमको कोई वेक्टर दे देगा, ठीक है, लेट हमें लेट करा लेट अ पोजिशन वेक्टर ऑफ फोर्स, फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज कितना दिया हुआ है, वेक्टर एफ इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब कहता है इसका फाइंड द यूनिट वेक्टर, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक। जब इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर f इजिकल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो वेक्टर f जब निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर ये फाइंड करना था हमको, तो कैसा हो जाएगा फॉर्मूला, वेक्टर यूनिट कैप इजिकल टू कितना हो गया, वेक्टर f अपॉन मोड ऑफ वेक्टर f। वेक्टर f निकालेंगे तो वेक्टर f तो सीधा सीधा ऐसे लिखना है, इसका हमें मोड ऑफ वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, मोड ऑफ वेक्टर f कितना हो जाएगा, अंडर रूट f x का स्क्वायर प्लस f y का स्क्वायर प्लस f z का स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब f x कितना दिया हुआ है, यहाँ से निकलेगा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, वेक्टर f x i कैप प्लस f y j कैप प्लस f z k कैप। अब इसका कंपैरिजन कर लेंगे, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो i से i हटेगा, यानी कि f x i कैप इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2i कैप, तो f x कितना हो गया हमारा, 2। सिमिलरली कैसे है, एफ वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, 2, और एफ जेड इजकल टू कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया। अब इसका यूनिट वेक्टर हमको निकालना था तो कैसे निकाल देंगे, आर यूनिट, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये तो ऐसे लिखेंगे 2 2 4 4 4 4 4, यानी कि कितना हो गया, 12 हो जाएगा, यानी कि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो गया ये हमारा, इसकी कितना वैल्यू आएगी, 4, यानी कि ये हो जाएगा नीचे का 12, 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो हमारा r यूनिट f यूनिट कितना आ रहा है, f यूनिट इजकल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 12 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 3, ठीक है, 2 अंडर रूट 3 लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा, एक तो फार्मूला हमारा यही हो गया, यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। वेक्टर की यूनिट जो भी दी हो, न्यूटन दी हुआ, तो हम यहाँ पर न्यूटन लिख देंगे, न्यूटन है, ठीक है, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुआ, तो ये हो जाएगा 2i कैप अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस 2i कैप अपॉन 2 अंडर रूट 3 और प्लस 2i कैप अपॉन 2 अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, आई कैप अंडर रूट 3 प्लस जे कैप अंडर रूट 3 प्लस के कैप अंडर रूट 3, ये हो गई हमारी फोर्स। और इसको और अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया हमारा वेक्टर एफ, नहीं यूनिट कैप निकालना है इसका, क्लियर। यानी कि आंसर कैसे में आ गया हमारा, न्यूटन।
क्लियर। तो यूनिट वेक्टर से अगर कोई फॉर्मूला आ जाए तो इस तरह से निकालना है हमको, कोई क्वेश्चन दे दे तो इस तरह से फाइंड होता है। अब बात करते हैं पैरेलल वेक्टर, ठीक है। ठीक, पहले समझ लेते हैं, अपोजिट वेक्टर समझते हैं, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर, देखिए पहले हम समझते हैं पैरेलल वेक्टर क्या होता है। पैरेलल वेक्टर देखिए, इसमें दो कंडीशनें होती हैं पैरेलल वेक्टर के अंदर, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपोजिट, एंड डायरेक्शन इज अपोजिट। तो सबसे पहले देखिए पैरेलल वेक्टर हमको समझना है, तो पैरेलल वेक्टर के अंदर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। अब हमने सपोज करा ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सपोज कर लिया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 2 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 2। अब देखिए इनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग तो ये सेम हो चुके हैं, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको बोलते हैं पैरेलल नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो ये इसको हटा दें यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं नेगेटिव वेक्टर और पॉजिटिव वेक्टर, यानी कि पैरेलल पॉजिटिव वेक्टर और होता है पैरेलल नेगेटिव वेक्टर। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। पैरेलल, अब इसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। पैरेलल पॉजिटिव वेक्टर क्या है कि दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, पैरेलल पॉजिटिव वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो गया, वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब कह रहा है अगली क्वेश्चन, इसको ऐसे भी और दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये पैरेलल है और दोनों क्या हैं, सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि आई एक्सिस के अलोंग भी वन है, जे एक्सिस के वो वाई एक्सिस के अलोंग भी वन है और जेड एक्सिस के अलोंग भी वन है इसका मैग्नीट्यूड। अब दूसरी चीज़ आती है कि पैरेलल अपोजिट वेक्टर हो, ठीक है, पैरेलल अपोजिट वेक्टर। तो हमें समझना है पैरेलल अपोजिट वेक्टर, यही समझते हैं कि दो वेक्टर हमको दिए हुए हैं, वेक्टर ए की डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस के अलोंग है और वेक्टर ए की डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस के अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। अब बात आती है कि इसको नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो माइनस वेक्टर बी इसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट कैसे की जाएगी, देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू सपोज करो लिखा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी इस तरह से लिखा हुआ है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, मतलब ये दोनों वेक्टर तो क्या है ना, सेम है मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। अच्छा, इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे ये 2 कैप है, ये भी 2 कैप है और ये 2 कैप है। अब ये क्या है, वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट तो हैं लेकिन मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, यानी कि वेक्टर बी की वैल्यू जो है वेक्टर ए से आधी है या हाफ है, या ऐसा समझ लीजिए वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर बी से डबल है, ट्वाइस टाइम है। तो पैरेलल हो गया, अपोजिट वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया, दोनों चीज़ समझ में आई, ठीक है। पैरेलल अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पैरेलल अपोजिट वेक्टर, ये सारी चीज़ें हो गई। अगला वेक्टर हम कौन सा लेते हैं, को इनिशियल वेक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर, देखिए को इनिशियल वेक्टर का मतलब है जिनका इनिशियल पोजीशन सेम हो, ठीक है, इनिशियल पोजीशन विल बी सेम, ठीक है। को इनिशियल पोजीशन सपोज करा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए हैं तो एक ही इनिशियल पॉइंट हो इनका, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हो तो एक ही इनिशियल हो, यानी कि ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो ये कौन से हैं, को इनिशियल हैं, क्या है, को इनिशियल। अब इसके जस्ट अपोजिट होता है को प्लानर वेक्टर, को प्लानर
वेक्टर। देखिए को प्लानर वैक्टर हमको समझना है, तो उन वैक्टरों को प्लानर कहेंगे जो दोनों वैक्टर एक ही उसके प्लेन के अंदर हों। ठीक है, अब देखिए जैसे समझते हैं ये एक्स वाई प्लेन है, अब उसको ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ मैं समझा दूँगा हल्का सा स्लाइटली। एडिशन ऑफ वैक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, नहीं अभी मत लो, एडिशन ऑफ वेक्टर में अलग ही समझाऊंगा। ठीक है, तो हमको समझना है क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, कोई भी एक प्लेन बनाए, चाहे एक्स वाई प्लेन बनाए या एक्स जेड प्लेन बनाए। मैंने दोनों ही पोजीशन वेक्टर पहले समझा दी थी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर कैसी होती है, वाई जेड के अंदर कैसी होती है, जेड एक्स के अंदर कैसी होती है, फिर एक्स वाई जेड तीनों के अंदर कैसी पोजीशन होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं इसको 2D मोशन के अंदर। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखूँगा। ठीक है, इसके बारे में देखिए, ये हमने एक लिया, कोई वैक्टर आर ले लिया, क्या लिया, वैक्टर आर लिया, सपोज़ करा ये वैक्टर आर है, तो वेक्टर आर की हमें पोजीशन दिखानी है। क्या दिखानी है, सबसे पहले हम दिखाएंगे पोजीशन, ये हमारा वेक्टर आर था। ठीक है, या यूज़ कह लीजिए कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है, एफ वेक्टर लेता हूँ मैं, वेक्टर एफ ले लेता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम इनको बाद में फिर करेंगे। फिर हम वेक्टर के ऊपर फोर्स के ऊपर वेक्टर आ गया, या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आगे जब वर्ड हम पढ़ेंगे कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब हम पढ़ेंगे तब भी हमें वहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है या वाई एक्सिस के अलोंग लेना है, वहाँ पर वेलोसिटी की बात करेंगे। फिर दूसरा क्या होता है, इंक्लाइंड फील्ड पर अगर हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा कि वो भी दो प्लेन में अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर एफ लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था एम ऑब्जेक्ट का, मास के ऊपर फोर्स लगाया हमने, तो सपोज़ कीजिए ये एंगल यहाँ से थीटा एंगल पर चल रहा है। ठीक है, और ये इसकी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, एफ एक्स, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, एफ वाई। ठीक, अब देखिए ये एंगल है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये हमने इसका पैरेलल वेक्टर ले लिया, तो ये वाली भी डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर देगा, एफ वाई रिप्रेजेंट करेगा, और इसके हमने पैरेलल एक वेक्टर और खींच लिया तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स के, एक्स एक्स के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से हमने निकालते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा के उसमें एंगल पे निकालते हैं, कॉस थीटा निकालना है। सपोज करा यहाँ एक हमने ट्राइंगल वो बना लिया ओ ए पी, इस ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होगा और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स क्या होगा। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि हॉरिजन के ऊपर इस सरफेस के ऊपर कैसे लगा रहा है, और वर्टिकली जो लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जब फोर्स लग रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स है, अभी मैं इसका रिजोल्यूशन जब कराऊंगा तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से इसको भी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग कितना लग रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना लग रहा है, तो एफ एक्स कितना हो गया इसका, एक्स एक्सिस। ठीक है, एफ वाई कितना हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग इसका फोर्स हो गया। क्लियर, या थीटा एंगल पर इसको निकालना है हमको। देखिए ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है, हमें समझ में नहीं आता कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कितना होगा और वर्टिकल कंपोनेंट्स का कितना होगा। ठीक है, तो अब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकालना है। ठीक है, तो हम इस ये हमारा जो डायगनल है, ये डायगनल ये कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ से एंगल निकालें, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस पर इसका कितना है, एफ एक्स है, और हाइपोटेनियस कितनी है इसकी, एफ वाई है। ठीक है, तो बेस पर है इसका कितना, एफ एक्स अपॉन, और ये कितना हो गया, वेक्टर एफ। क्लियर, तो एफ एक्स जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वेक्टर एफ कॉस थीटा। क्लियर, वाई एक्सिस के अलोंग जब निकालना है, यानी कि वाई एक्सिस की बात करें, अभी तो हॉरिजॉन्टल पे आ गया, तो हॉरिजॉन्टल पे लगने वाला फोर्स इस कंपोनेंट से निकलेगा कॉस थीटा एंगल से। ठीक है, अब वर्टिकल पे बात करनी है तो इस वर्टिकल को लेना है, तो वर्टिकल के लिए हमें कौन सा एंगल पता होना चाहिए, साइन थीटा।
साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकाल दें तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलरली फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, एफ एक्स लग रहा है, और इसका वेक्टर कितना है, वेक्टर एफ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एफ वाई, हमें क्या निकालना था, एफ वाई इज इक्वल टू, नहीं एफ एक्स निकालना था, हाँ एफ वाई निकालना है। तो एफ वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, वेक्टर एफ साइन थीटा, ये इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हो गए, क्लियर। दूसरी चीज़ है वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो गए, अब इसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है, ठीक है। देखिए कहता है क्वेश्चन के थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 45 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड जो है हमारा वेक्टर का वो कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड हमारा सपोज करा 3 न्यूटन है, कितना है 3 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। इस 3 न्यूटन के फोर्स को हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, ठीक। तो दो एक्सिस के अंदर है, यानी कि एक्स और वाई प्लेन के अंदर बात करेंगे, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप और एफ जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है, ओ एफ वाई है, ठीक। ये था कोई न्यूटन, क्लियर, कोई फोर्स लग रहा था। अब देखिए ये एंगल हमारा एफ एक्स, ठीक है, अब हम सारी रिजोल्यूशन इसका बनाएंगे, ठीक है। पहले लेते हैं पॉजिटिव में, यानी कि ये 45 डिग्री एंगल पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये 45 डिग्री एंगल है, क्लियर। हमको क्या निकालना था, एफ एक्स निकालना था, क्या निकालना था, एफ एक्स। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा एंगल कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड तो हमारा कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ था, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 45, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये कितना हो गया, 3√2। एफ एक्सिस के अलॉन्ग 3√2 है, ठीक है। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना था, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एफ कितना था हमारा, एफ था हमारा 3 न्यूटन का, और साइन कितना हो गया, साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू वही होती है जो कॉस 45 की होती है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3√2। अच्छा ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अभी इसका हमें इस डायरेक्शन में निकालना है। तो ये बन कितना गया, देखिए एफ एक्स कितना आया हमारा, एफ एक्स आया था हमारा 3√2, यानी कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3√2 आई कैप प्लस 3√2 के कैप। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है। अब अगली बात करते हैं कि एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए। सपोज करा हमने ये कोई एक्स वाई प्लेन लिया, ये एक्स वाई एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश लिया। अब कह रहा है कि इस एंगल पे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, यहाँ से ये 45 डिग्री एंगल लगा हुआ है, क्लियर। तो देखिए इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी इसकी नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड अब इसका कैसा आएगा, देखिए वेक्टर एफ, हमें क्या निकालना था, एफ एक्स निकालना था, तो एफ एक्स आया कितना था, 3√2, लेकिन अब ये कौन सी डायरेक्शन में चला गया, माइनस डायरेक्शन में चला गया, क्लियर। सेम अब इसी तरीके से एफ वाई जब निकालेंगे तो एफ वाई इक्वल टू कितना हो गया, -3√2, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, वेक्टर एफ इज इक्वल टू -3√2 आई कैप -3√2 जे कैप। तो अभी कितना हो गया, एफ -3√2 आई कैप माइनस, यानी कि ये प्लस हो जाएगा 3√2 जे कैप। इसको रिजॉल्व कर लिया, किसमें, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। अब ये कंडीशन और आती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, ठीक, यानी कि ये एक्स वाई लिया हमने, क्लियर। अगला देखते हैं, इसी एंगल पर निकालना है हमको। अब क्या करेंगे, डायरेक्शन इसकी थोड़ी चेंज करेंगे, अब फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, अब जब इसको रिजॉल्व करना होगा, तो हमने इस कंडीशन में लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाई पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, तो ये वाली डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है, और ये वाली डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है। सपोज कर लिए 45 डिग्री एंगल पर लगेगा, तो अब यहाँ पर जो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, -3√2 आई कैप आएगा, ठीक है, अपोजिट है, माइनस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और वाई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है इसका, पॉजिटिव की तरफ। तो एफ एक्स यानी कि हो गया एफ वाई कितना हो जाएगा, 3√2, मैग्नीट्यूड इसका पॉजिटिव है, जे कैप कितना हो गया,
ये कैप। तो अब इक्वेशन कैसी बन जाएगी, वेक्टर एफ इजकल टू माइनस थ्री अंडर रूट टू आई कैप प्लस थ्री अंडर रूट टू जे कैप, ये इसकी पोजिशन हो गई। क्लियर। अब इस कंडीशन में लेके आ जाए, एक और कंडीशन बना लें, इसको हमें रिजॉल्व करना था जो हमने कर दिया। देखिए अब हमें बनाना है ये कंडीशन, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, और ये हमारा इस तरह से रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये कितना डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल था। तो एफ एक्स इजकल टू, देखिए अब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो यानी कि एफ एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, थ्री अंडर रूट टू आई कैप, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में था और वाई नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस थ्री अंडर रूट टू जे कैप। तो हमने क्या क्या सीख लिया, रिजोल्यूशन सीख लिया, कंपोनेंट्स वेक्टर क्या चीज़ है वो सारी चीज़ें सीख ली। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके एडिशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, और दूसरा क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर हम ट्राएंगे लॉ मेथड देखेंगे उसका कितना था, ठीक है, फिर उसकी डायरेक्शन देखेंगे क्या चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा इसके ऊपर होगा, वेक्टर के ऊपर, ठीक है, 11th क्लास का।